इस साल ये तीन टाइप के सूट ट्रेंड में रहने वाले हैं। नंबर वन पर है मिरर वर्क वाले सूट। मिरर वर्क वाले सूट काफ़ी स्टाइलिश लुक देते हैं शादी में, पार्टी में, फंक्शन में, किसी भी ओकेजन पर आप मिरर वर्क वाले सूट वेयर कर सकते हैं। कुछ सूट इस तरह के होते हैं जिनमें सिर्फ कुर्ती में ही मिरर वर्क का काम होता है, और कुछ सूट में दुपट्टा, बॉटम, सभी में ही मिरर वर्क का काम होता है। आप चाहें तो मिरर वर्क की लेस सिंपल से सूट में लगाकर सूट को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडी बना सकते हैं। मिरर वर्क वाले सूट कई तरह के होते हैं, कोई से फेक मिरर वाले सूट होते हैं और कोई से रियल मिरर वाले सूट होते हैं। तो आप मिरर वर्क का काम करके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में आप सूट बना सकते हैं। सिर्फ दुपट्टे में ही आप इस तरह से मिरर वर्क की लेस या फिर मिरर लगा सकते हैं, जिससे आपका सूट सिंपल सा भी होकर काफ़ी ज़्यादा प्रेटी और स्टाइलिश लुक आपको देने वाला है। नेक्स्ट सूट जो ट्रेंड में रहने वाले हैं वो है सीक्वेंस वर्क के सूट। तो शादी पार्टी फंक्शन में अगर आप सीक्वेंस वर्क के सूट पहनेंगे तो आपके लुक में चार चांद लग जाएंगे। आप चाहो तो कुर्ती, बॉटम, दुपट्टा तीनों ही सीक्वेंस वर्क वाले फैब्रिक से बना सकते हो, या सिर्फ आप कुर्ती में ही सीक्वेंस वर्क का काम करके या फिर सीक्वेंस वर्क वाला फैब्रिक लेकर या फिर सीक्वेंस वर्क वाली लेस लेकर आप कुर्ती में ही लगा सकते हैं, जिससे आप शॉर्ट सूट बना सकते हैं, सरारा सूट बना सकते हैं, जैकेट स्टाइल सूट बना सकते हैं, पटियाला सूट भी आप बना सकते हो, फ्रंट स्लिट जैकेट स्टाइल सूट भी आप बना सकते हैं, सरारा सूट इस तरह से आप बना सकते हैं सीक्वेंस वर्क के फैब्रिक से। और नेक्स्ट जो सूट ट्रेंड में रहेंगे वो है एम्ब्रॉयडरी वाले सूट। तो आप सिल्क का फैब्रिक लेकर उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, या फिर इस तरह का फैब्रिक ले सकते हैं आप जिसमें एम्ब्रॉयडरी का काम हो रखा है। इस तरह के सूट काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक आपको देते हैं, तो आप ज़रूर इन पैटर्न में बनवा सकते हैं। तो एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन से सूट की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई है।